लेक्चर 8 के पार्ट 2 में हमने देखा कि एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग के लिए मेन बार्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेसिंग ऑफ बार्स कितनी और कैसे कैलकुलेट करते हैं और चेक फॉर वन वे शियर कैसे करते हैं। अब हम इस एपिसोड में इसके आगे की प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में वैसे बताया भी था कि टू वे शियर चेक में टाउ वी होता है शुड बी लेस देन केएस इनटू टाउ सी, यहां पर जो केएस है वो ऐड होता है। अब ये कैसे और क्या कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर, वो हम एक एक करके आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमें यहाँ पर पहले टाउ वी की जरूरत है फाइंड आउट करने की, टाउ सी कैलकुलेट करने की। देखिए टाउ वी जो है यहाँ पर क्या है, वो भी इसका फॉर्मूला वी यू बाय बी डी ही होगा, बट यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन अलग है तो सारे कैलकुलेशंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर कौन सा है वो हम पहले देख लेते हैं, है ना। क्रिटिकल सेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो फिगर फिर से टेढ़ी मेढ़ी आ गई है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो, अच्छा मैं थोड़ा बड़ा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ बिकॉज आपको समझाना इसमें ज़रूरी है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के बाद जो डी है यहाँ पर वो, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट इसको स्क्वायर एज्यूम कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो पूरी पेरिफेरी होता है सराउंडिंग योर आरसीसी कॉलम, ठीक है, टू वे शियर के अंदर। और क्यों होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसका भी कारण। तो ये जो बाहरी पूरा एरिया है, जो इलाका है, ये पूरा एरिया, ये हमारा बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन माना जाता है हमारे टू वे शियर के लिए। ठीक है, तो हमें ये इसके ऊपर ही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है पहले तो वी यू को। हमें क्या करना है यहाँ पर, वी यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पर वी यू बेसिकली क्या होगा, ये वही होता है जो हमारा, हमने देखा था कि भाई स्ट्रेस इंटू आपका जो क्रिटिकल सेक्शन का जो एरिया होता है वो। ठीक है, तो स्ट्रेस तो हमें पता है वो हमारे पास है 272, जो अपवर्ड जो फोर्स था हमारे पास, नेट अपवर्ड प्रेशर जो था हमारे पास, ठीक है, 272 था, वो तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिकल स्ट्रेस का जो एरिया है, क्रिटिकल सेक्शन का जो एरिया है वो कितना है, वो यहाँ पर हमें अभी पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा और गिनती करना पड़ेगी डायमेंशन को लेकर। ठीक है, हमें पता है कि टोटल, देखिए हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, ये पूरा स्ट्रिप पहले मैं निकालना, हमारे पास ये पूरा क्रिटिकल सेक्शन है, लेकिन इस पूरे क्रिटिकल सेक्शन में से हमें क्या करना है, इस पूरे सेक्शन को माइनस करना है, अंदरूनी अंदर वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, इसको हमें माइनस करना है बिकॉज इसके बाहर ही हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन इंटू अपवर्ड प्रेशर हमारा वी यू होता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या करना होगा, अंदर का जो हिस्सा है ये हमें माइनस करना होगा। तो अंदर का हिस्सा माइनस करने से पहले अंदर का हिस्सा हमें देखना होगा कि उसका क्या है, लेंथ कितनी है उसकी, मतलब विड्थ कितनी है। तो भाई देखो ये हमारे पास स्क्वायर फुटिंग है, ओके, और हमें पता है कि ये जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है इस तरह के पूरे टू वे शियर के अंदर जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ आरसीसी कॉलम से डी बाय टू डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। कहां पर होता है, डी बाय टू डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। अब ये डी बाय टू कौन सा होता है, देखो डी यहां पर कौन सा होता है, तो डी क्योंकि हमारे पास यहां पर हम टू वे शियर की बात कर रहे हैं, तो टू वे शियर के अंदर ध्यान रखा जाए हम जब भी डी को कैलकुलेट करते हैं तो ये इसमें डी एवरेज लिया जाता है। डी एवरेज क्यों, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको इसको भी फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं, ये हमारे पास हमारा फुटिंग है, ये हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है, ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है। तो देखिए यहां पर बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट दोनों अलग अलग दिशाओं में है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो ये जो रेनफोर्समेंट है ना, ये जो रेनफोर्समेंट है, तो टॉप से लेकर इसका जो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा उसको हम डी एक्स कहते हैं, और जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका जो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा उसको हम डी वाई कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके दिशाओं के हिसाब से दोनों की इफेक्टिव डेप्थ अलग होगी यहां पर। ओके, अब हमें टू वे शियर के अंदर करना क्या है, कौन सी डेप्थ कंसिडर करनी है, तो हमें यहाँ पर दोनों की एवरेज डेप्थ लेनी होती है। बिकॉज हम यहाँ पर देखिए एवरेज डेप्थ क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पर दो दिशाओं की इफेक्टिव डेप्थ की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस क्रिटिकल सेक्शन इज यू नो दो, ये चारों तरफ से पेरिफेरी बनाकर और पूरा जो सराउंडिंग एरिया है वो क्रिटिकल माना जाता है टू वे शियर के लिए,
बिकॉज जब हम इसको जो नीचे से जो प्रेशर हो रहा होता है, जो फेलियर होता है, वो दो तरफ से देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर दोनों दिशाओं की इफेक्टिव डेप्थ को कंसिडर करते हैं और उनका एवरेज लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, उनका एवरेज लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहले तो हमें डी वाई क्या है और डी एक्स क्या है ये निकालना होगा। हम पहले डी एक्स की बात कर ले चले, तो डी एक्स के लिए पता है हमें कि टोटल जो डेप्थ हमारी यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है वो 480 mm कितनी है, 480 mm की है ओवरऑल। माइनस हमारा जो टॉप सॉरी बॉटम में जो हम कवर देते हैं 50 mm का, तो वो माइनस कर दीजिए, और माइनस हमारा जो ये बॉटम रेनफोर्समेंट है ना, इसके सेंटर तक हमें जाना है, तो वो डी एक्स हो जाएगा। तो उसका सेंटर हमारे पास 12 mm का बार है वो, तो उसका सेंटर मतलब 6 mm पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 480 - 50 - 6, ठीक है, तो ये 424 mm हमारे पास dx आ गया। सिमिलरली dy क्या होगा, तो dy हम यहाँ पर सिंपल होगा भाई कि 480 हम कह सकते हैं, 480 माइनस 50 माइनस 6 सॉरी माइनस हमारे पास पूरा बॉटम रेनफोर्समेंट हमें माइनस करना होगा, मतलब माइनस 12 और माइनस 6, ये हमारे पास 412 mm हो जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। या फिर आप डायरेक्ट dx जो dy होता है ना, dy हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस हम कह सकते हैं इसको 12 mm, क्योंकि आधा हाफ इसका हाफ एम एम, अब ये आपको मुझे लगता है कंफ्यूज करेगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो बॉटम का हाफ एम एम सॉरी हाफ डायमीटर और टॉप का हाफ डायमीटर, तो ये 12 diameter इसलिए हो रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगर आपको समझ ना आया तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करके बता दीजिएगा सर आई गॉट दिस, ओके, जिसको नहीं आया अब उनको मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, चले कोई बात नहीं, सिंपल चीज़ है, मैं कंफ्यूज आपको कर रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दोनों एक ही बात है। तो आप इस तरह से कर सकते हो डी वाई, तो डी वाई हमारे पास आ गया, डी एक्स हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे इन दोनों का एवरेज लेंगे और वो हमारा डी एवरेज होगा। तो डी एवरेज यहाँ पर कितना होगा, डी एवरेज होगा यहाँ पर 424 + 412 / 2 कर दीजिए, तो ये 418 mm हमारे पास इसका एवरेज हो जाएगा, ये हमारे पास डी हो गया बेसिकली। और हमें पता है कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर होता है वो कॉलम फेस से डी बाई टू डिस्टेंस पर होता है, मतलब ये डी बाई टू हम कह सकते हैं इसको, डी बाई टू मतलब 418/2, मतलब ये हो रहा है हमारे पास 209 mm, क्या हो रहा है ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो रहा है फिर 209 mm, कितना हो रहा है ये 209 mm, ये दोनों तरफ से चारों तरफ से जो है 209 mm की दूरी पर आपका पूरा पेरिफेरी में क्रिटिकल सेक्शन वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें अंदर का डिस्टेंस मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें अंदर की पूरे इस पूरे एरिया को माइनस करना है बाहर के एरिया से, ठीक है। तो बाहर का एरिया हमें पता है कितना है, हम कह सकते हैं इसको बाहर का जो एरिया है वो कितना है, हम इसको अगर मैं आपको चलिए दूसरे ही इसमें समझाता हूँ, चलिए ये हमारा पूरा इस तरह से फुटिंग था, ठीक है, और ये हमारे अंदर कॉलम था और ये जो है इसका पेरिफेरी था, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये 2.1 है और ये भी 2.1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंदर का बाहर का जो एरिया है 2.1 × 2.1, ठीक है, ये बाहर का एरिया में से माइनस क्या करना है, अंदर का एरिया करना है। तो अंदर का एरिया के लिए हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तभी तो हमें अंदर का एरिया मिलेगा ना। तो कैसे मिलेगा वो एरिया, देखिए बड़ी सिंपल चीज़ है भाई, इसमें आपको बताएं कि ये 209 है, ये 209 है और ये बीच में 350 है, ठीक है, हमारा कॉलम ये जो हमारा कॉलम है ये 350 का है, तो बस सिमिलरली उसको ऐड करते जाओ। अगर हम इसको ऐड करें तो 209 + 209 + 350, तो ये 700 कितना हो रहा है, 768 हो रहा है, कितना 768 mm हो रहा है, ये मतलब हम कह सकते हैं इसको कि ये 0.768 × 0.768 है ना। तो ये आपको क्या देगा, आपको इसका पूरा क्रिटिकल सेक्शन का एरिया दे देगा, है ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको क्या देगा, ये उसका पूरा क्रिटिकल सेक्शन का एरिया दे देगा, ये बाहर का एरिया आपको दे देगा, है ना। बड़ी सिंपल चीज है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.1 - 0.768 है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बड़ी आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो हमारे पास हमारी जो मेन कुश्ती थी वो वीयू के लिए थी। वीयू क्या था हमारे पास कि भाई जो भी आपका अपवर्ड प्रेशर है 272.1, ठीक है, इनटू आपका यहाँ पर जो ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल पूरा एरिया है वो, तो
क्रिटिकल सेक्शन का एरिया क्या होगा, हम इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू सॉरी माइनस हम करेंगे इसको माइनस 0.768 का होल स्क्वायर, ये आपका आपको वीयू मिलेगा अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1040 मतलब 1040 किलोन्यूटन। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप बता सकते हो, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर ये हमने वीयू निकाल लिया। अब हमें हम निकाल क्या रहे थे, एक्चुअली यहाँ पर टाव वी को निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे थे अगर हम देखें यहाँ पर, तो टाव वी हमें निकालना था वीयू बाय बी डी, बी हमें पता है। अब देखो डी हमें यहाँ पर हमारे पास जो डी की वैल्यू आई थी वो डी एवरेज हमें लेना था, तो 418 mm डी हमारे पास आ गई थी। ठीक है, डी इज अवर 418 mm, ठीक है। अब यहाँ पर बी क्या होगा, क्योंकि ये एक तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, बी 2.1 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर बी जो है ना, ये उसकी जो पेरिफेरी है पूरी, ये चारों साइड की, दिस विल बी द बी। मैंने इसलिए कहा था आपको कि इसमें कैलकुलेशन चेंज होगी टू वे शेयर के अंदर, बिकॉज यहाँ पर कंसेप्ट पूरा चेंज हो रहा है शेयर का, ये शेयर फेलियर का। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिफेरी की बात करते हैं, तो पूरी पेरिफेरी की लेंथ जो है यहाँ पर बी होगी, और एक पेरिफेरी का जो साइड है वो कितनी है, यहाँ पर हम कह सकते हैं 768 mm है ना, तो इंटू 4 कर दीजिए इसको, 768 इंटू 4 होगा, यही तो हमारा बी होगा। अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि भाई हमारे पास ये आ गया बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 768 अगर एक है तो चार हमारी दिशाएं हैं, तो चार 4 इंटू 768 mm हो गया, है ना, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 3072 mm। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये बी हमारे पास 3072 कैसे आया, क्योंकि इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और होते भी होंगे शायद, लेकिन यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर 2.1 क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर हम पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर पूरे एरिया की बात कर रहे हैं इसके, हम यहाँ पर स्ट्रिप की बात करते हैं तो 2.1 ले लेते, बट इट इज अबाउट द पेरिफेरी, इट इज अबाउट दिस होल एरिया। ओके, तो ये पेरिफेरी कितनी है, तो पेरिफेरी किस पेरिफेरी से यहाँ पर जा रहा है, ये पेरिफेरी आपकी पूरी लेनी है, आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इसलिए हमने बी को यहाँ पर ले रखा, और डी हमें बताइए 418 mm है, फिर डी यहाँ पर इसको ले सकते हो आप लोग। तो भाई आपके पास मतलब अब टाव वी निकालने के लिए सारी चीजें यहाँ पर है, टाव वी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि भाई वी यू बाय बी डी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, वी हमारे पास आ रहा था 1040 था ना, है ना, तो 1040 और क्योंकि वो किलो न्यूटन में था तो हमने इसको 10^3 करके न्यूटन में कर दिया, डिवाइड बाय बी हमारे पास 3072 है और ये 418 है। इसको अगर कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के अंदर तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0.810, कितनी मिलेगी 0.810 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर टाव वी की वैल्यू बखूबी निकाल ली है, कैलकुलेट कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज मेरा एट द एंड उद्देश्य यही है कि जो भी मैं समझाऊँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है मुझे आप बता सकते हो कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन ढेर सारा है, तो आप हमें जुड़ आप जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर टेक्निकल सिविल को लिखिए कि सर हमें आपने जो ये वीडियो समझाया था, ये टॉपिक समझाया था, इसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ दूर कर दीजिए, देयर वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो टाव वी हमने निकाल लिया, अब बारी आती है के एस इंटू टाव सी की, है ना, अब बारी आती है के एस इंटू टाव सी की। देखिए के एस के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, अगर हम के एस इंटू टाव सी की बात करें तो देखिए आपको आई एस 456 जो है हमारे पास है 456-2000 और इसमें आपको जो है पेज नंबर 59 पे निकलना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक क्लॉज यहाँ पर दे रखा है, अगर हम देखें यहाँ पर परमिसिबल शेयर स्ट्रेस करके है, ये आप देख रहे हो 31.6.3 में परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, When the shear reinforcement is not provided, the calculated shear stress critical section should not exceed KS into tau C. मतलब ये तब होता है जब shear reinforcement provide नहीं किया जा रहा, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पज कि भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि KS क्या है और tau C क्या है। KS यहाँ पर क्या होगा, देखिए केएस बड़ी सिंपल चीज है, 0.5 इंटू बीटा सी है, वेर बट नॉट ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा केएस इंटू सॉरी केएस इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा
सी वी शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन, अगर उससे ज्यादा आता है तो आपको वन लेना है यहाँ पर, ठीक है। और टाउ सी आपको दे रखा है 0.25 अंडर रूट एफ सी के, है ना, तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए, और हम लिमिट स्टेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इसको 0.25 एफ सी के लगे, अंडर रूट एफ सी के लिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। के एस की वैल्यू उसमें बताई गई है कि भाई 0.5 प्लस बीटा सी, 0.5 प्लस बीटा सी। अब आप कहोगे सर 0.5 तो ठीक है, लेकिन बीटा सी क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बीटा सी कुछ नहीं होता है भाई, ये होता है हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है उसका शॉर्ट साइड डिवाइड बाय लॉन्ग साइड का रेशियो होता है, शॉर्टर साइड डिवाइड बाय लॉन्गर साइड का रेशियो होता है। हमारे पास शॉर्टर साइड कितना है, हम कह सकते हैं उसको, हमारे पास जो कॉलम हमारा है ना स्क्वायर कॉलम है, हमारे पास जो कॉलम हमारा है वो स्क्वायर कॉलम है, 350 mm का है, लॉन्गर साइड भी 350 mm है, तो ये 1/1 आएगा, मतलब 1 आपकी वैल्यू आएगी अल्टीमेटली। बीटा भी, बीटा सी की वैल्यू कितनी 1 है, और ये 0.5 है, इसको प्लस करेंगे तो भैया 1.5 हो रहा है, तो हाईएस्ट कोड्स के खिलाफ जा रहा है, तो हाईएस्ट कोड कहता है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब बीटा सॉरी के एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1, हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये लेना होगा, बिकॉज आईएस कोड हमें कहता है कि 1 से ज़्यादा आप इसकी वैल्यू को हरगिज कंसिडर नहीं कर सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर 1 ले लेना है, सिंपल चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं टाउ सी की। तो टाउ सी यहाँ पर क्या था, टाउ सी जो था वो था 0.25 अंडर रूट एफ सी के। अब इसमें भी कुछ नई चीज़ तो है नहीं ऐसी, है ना, 0.25 अंडर रूट 20 ले लीजिए, है ना, ये चीज़ है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग तो आपको आंसर मिलेगा 1.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये टाउ सी आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब के एस इंटू टाउ सी मल्टीप्लाई करें, आपको आगे सारी चीज़ें मिल जाएगी। हमारे पास टाउ वी जो था ना, हमने देखा टाउ वी हमारे पास 0.18 आ रहा था, टाउ वी कितना आ रहा था हमारे पास 0.18 नहीं था, 810 था, 810 था, और यहाँ पर के एस इंटू टाउ सी अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर ये के एस की वैल्यू 1 है और टाउ सी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास यहाँ पर 1.12 आ रही थी, 1.12 मतलब 1.12 हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये कंडीशन है भाई, टाउ वी शुड बी लेस देन के एस इंटू टाउ सी, है ना, मतलब ये 0.810 इज ऑब्वियसली लेस देन 1.12, और ये कंडीशन यहाँ पर भैया सेटिस्फाई कर गई है, इसका मतलब ये यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक क्या है सब कुछ ठीक है, मतलब ये टू वे शेयर के अंदर भी पास कर गए हैं, इसमें ये फेल नहीं हुआ। अगर ये फेल हो जाता तो आपको डेफ्थ यहाँ पर चेंज करनी होती, और इसीलिए हमने पहले, आपको अब याद होगा जो हमने इसकी डेफ्थ कंसिडर की थी 2.5 टाइम्स ग्रेटर डेफ्थ, वो इसलिए की थी वो यहाँ पर वो उसका पूरा तामझाम संभाल ले, वरना अगर कम डेफ्थ ले लेते तो वो यहाँ पर हरगिज पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए तो ये था यहाँ तक वन वे शेयर और टू वे शेयर के बारे में, दोनों ही अंदर वो सक्सेस हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको अगर कहीं भी हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम के जरिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो लास्ट स्टेप है इसका, इस पूरे डिज़ाइन का आखिरी स्टेप है ये। मैं चाहता था कि इस डिज़ाइन को मैं दो वीडियो में स्प्लिट करके दूं, लेकिन मैंने सोचा कि दो वीडियो में स्प्लिट कर दूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो एक डिज़ाइन को एक ही सिटिंग में समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो एक ही मैंने वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश की है, इसको एक ही सेशन में कम्प्लीट करने की इसलिए कोशिश की है, ठीक है। अब भैया बारी आती है एक लास्ट हमारे स्टेप की, जिसको हम कहते हैं कि भाई जो आपका कॉलम लोड है वो फुटिंग में ट्रांसफर हो पा रहा है सेफली या नहीं हो पा रहा है। अगर वो कॉलम का लोड फुटिंग में सेफली ट्रांसफर नहीं होता है, अगर इनसफिशिएंट रेनफोर्समेंट वहाँ पर है, तो फिर वहाँ पर हम एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो जो एडिशनल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम डोवेल बार्स कहते हैं, ठीक है, जो हमारा ऐसा बार होता है जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफर करने के लिए केवल यूज़ किया जाता है, उसको हम डोवेल बार कहते हैं। अब डोवेल बार यूज़ करना है, लेकिन पहले देखना है कि इसकी जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है ना। हम इसको हमारा आखिरी स्टेप दे देते हैं नाम, और इसका नाम होगा कुछ यू नो ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग, है ना, यही हुआ। चलिए तो अब यहां पर हमें पहले निकालना होगा कि भाई अभी फिलहाल जो लोड है कॉलम से वो कितना जा रहा है, और फुटिंग की सॉरी उसकी कैपेसिटी कितनी है। चलिए तो हमारे पास अगर देखिए तो कॉलम का जो टोटल लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, लोड फ्रॉम कॉलम
लोड फ्रॉम कॉलम, और ये होना चाहिए आपका फैक्टर्ड, याद रखिएगा इस चीज को। ये कितना हो रहा है, तो 1.5 इंटू 800, कॉलम से 800 के जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1200 किलो न्यूटन का लोड हो रहा है, कितना हो रहा है, 1200 किलो न्यूटन का लोड जा रहा है, ठीक है। अब उसकी अलाउबल बेयरिंग फोर्स की कितनी कैपेसिटी है, क्या उसकी क्या कितनी परमिसेबल कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अगर देखें हम लोग, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अलाउबल बेयरिंग फोर्स कितना है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, स्ट्रेस जो उसमें आ रहा है वो इनटू एरिया ऑफ कॉलम, यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। और स्ट्रेस क्या होगा यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा 0.45 FCK, ये हमारे पास स्ट्रेस हो गया 0.45 FCK इनटू एरिया ऑफ कॉलम हमारे पास होता है 350 बाय 350, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब क्योंकि एफ सी के वगैरह ये न्यूटन और एमएम के अंदर होता है, तो हम इसको, और ये हमारे पास सॉरी किलो न्यूटन और एमएम में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ये किलो न्यूटन और मीटर में होता है, तो ये हमारे पास एमएम में है सारा, तो इसको हम 10^-3 कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप इसको 0.3 कर सकते करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0.45 इंटू एफ सी के 20 है इंटू यहाँ पर 350 इंटू 350, ठीक है, इंटू 10^-3 कर लो, ओके। तो ये जो आपका अलाउबल बेयरिंग फोर्स जो हो जाएगा ये 1102.5 किलो न्यूटन का है, मतलब देखो अलाउबल उसकी जो कैपेसिटी है वो 1102 की है, और उसके ऊपर जो लोड ट्रांसफर होना है वो 1200 का है, इसका मतलब भाई कैपेसिटी कम है, होना कितना है 1200, कैपेसिटी कितनी है 1100, तो मतलब कम है। अब कम कितना है, तो जितना भी कम होगा उसके लिए हमने एडिशनल यहाँ पर बार प्रोवाइड करनी होगी, उसको हम डबल बार कहते हैं। तो चलिए कितना कम है यहाँ पर अगर देखें हम लोग, अगर हम देखें चलिए, तो डोवेल बार्स आर रिक्वायर्ड, हम कह सकते हैं यहाँ पर डोवेल बार्स आर रिक्वायर्ड फॉर कितने के लिए, तो 1200 माइनस 1102.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं 97.5 किलो न्यूटन, मतलब 97.5 किलो न्यूटन जितना लोड वहां पर जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसके लिए अलग से डोवेल बार प्रोवाइड करने हैं, ओके। अब जब भी आप डोवेल बार प्रोवाइड करते हो तो सिंपल चीज है, जो भी डोवेल बार के लिए एरिया रिक्वायर्ड होता है वो आपको लेना होता है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपको यहाँ पर चेक देना होता है भाई कि एक फैक्टर इसमें आपको ऐड करना होता है, एक फैक्टर आपको इसके अंदर ऐड करना होता है, और वो होता है देखिए अलाउबल जो भी आपका फोर्स होता है बेयरिंग फोर्स होता है ना, उसके अंदर आप यहाँ पर एक अलाउबल बेयरिंग फोर्स जो होता है ना, इसके अंदर एक फैक्टर आपको ऐड करना होता है जब आप डोवेल बार ऐड यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो अलाउबल बेयरिंग फोर्स और डोवेल बार हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ A1 बाय A2, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके क्या है ये, ठीक है, अंडर रूट ऑफ A1 बाय A2 इंटू 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉलम। हमने अभी जस्ट जो अलाउबल बेयरिंग फोर्स निकाला था ये विदाउट द फैक्टर, जो A1 बाय A2 था वो उसके बिना था, लेकिन जब हम डोवेल बार की जरूरत है तो हमने यहाँ पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है A1 बाय A2, ठीक है, ये IAS कोडल प्रोविजन है। अब भाई ये जो A1 बाय A2 है ये फैक्टर क्या है एक्चुअली, ये A1 क्या है A2 क्या है, देखिए A1 और A2 यहाँ पर होता क्या है कि A1 हमारा जो है वो दो, इसमें अगर हम बात करें A1 A2 की, चलिए A1 यहाँ पर हो सकता है या तो आपका फुटिंग का एरिया, एरिया ऑफ फुटिंग, मतलब इसको कह सकते हैं भाई 2.1 बाय 2.1, या फिर A1 आपका हो सकता है और हम इसको कह सकते हैं और A1 इज इक्वल टू, हम इसको कह सकते हैं कि भाई विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 4D इंटू लेंथ ऑफ कॉलम इंटू 4D, ये अब विड्थ ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी है तो 350 है प्लस 4D इंटू लेंथ ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी है तो 350 है, क्योंकि कॉलम हमारा स्क्वायर है अल्टीमेटली, है ना, इंटू 4D सॉरी प्लस प्लस 4D, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से होगा।
अब ये जो, अच्छा ये एक काम करते हैं अपन इसको मीटर में कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो 0.350 प्लस 4 इंटू हमारे पास जो डी है यहाँ पर वो कितनी है टोटल, ये कैपिटल डी है, देखिए ये कैपिटल डी है ना, तो हमारे ओवरऑल डी मतलब 480, तो 0.48 हम ले सकते हैं, ठीक है, इंटू 0.350 प्लस 4 इंटू 0.48, तो ये है। अब इन दोनों में से जो भी एरिया स्मॉलर होगा, ये आपका पहले तो A1 होता है, ठीक है, A1 इज व्हाट, A1 इज स्मॉलर, स्मॉलर मतलब दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो आपका A1 होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 4.41 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 5.515 मीटर स्क्वायर समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर कौन सा है, 414 है, मतलब 4.41 है, तो ये हमारे पास स्मॉलर वन, मतलब ये एरिया A1 हमारा हो गया। अब A2 क्या होता है, व्हाट इज द A2, तो A2 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ कॉलम, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, और ये कितना है, तो भाई हम कह सकते हैं 0.350 इंटू 0.350, है ना, बड़ी सिंपल चीज है ये, और ये कितना होगा 0.1225 मीटर स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास एरिया ऑफ कॉलम आ गया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए कितना आ रहा है, तो A1 बाय A2 अगर हम देखें तो 4.41 डिवाइड बाय 0.1225 अंडर रूट कर दीजिए इसका, इसको अगर हम देखें तो ये समथिंग 6 जितना आ रहा है, लेकिन आपको IAS कोड इसमें ये कहता है कि ये जो A1 बाय A2 का एरिया है, भाई साहब याद रखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है, ये जो आपका A1 बाय A2 का एरिया इसमें होता है ये 2 से ज्यादा हरगिज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। तो अब यहां पर देखिए आपके पास 6 आ गया, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है ना 2 से ज्यादा हो रही है, आपको यहां पे क्या करना होगा, A1 बाय A2 का जो रेशियो है ये फैक्टर जो है आपको इक्वल टू 2 कंसिडर करना होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसिडर, ओके। तो हमने यहां पर ये फैक्टर ले लिया 2, तो अब जो आपका यहां पर फॉर्मूला होगा या फिर जो वैल्यू होगी अलावेबल बेरिंग प्रेशर की, बेरिंग फोर्स की, अलावेबल बेरिंग फोर्स की, वो कितनी होगी यहां पर, तो 2 इंटू 0.45 इंटू FC के मतलब 20 इंटू एरिया ऑफ कॉलम मतलब 0.35 इंटू 0.35, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर, है ना, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2205 मतलब 2205 किलो न्यूटन। अब देखिए आपका यहां पर फैक्टर करने से पहले 1102 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही थी, फैक्टर आपने कर दिया उसको A1 बाय A2 तो 2205 किलो न्यूटन आ रही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डोवेल बार जब प्रोवाइड किया जाता है तो डोवेल बार प्रोविजन के लिए आपको पहले तो जो एरिया उसका रिक्वायर्ड होता है वो आपको निकालना होता है, ठीक है, तो डोवेल एरिया आपको निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, डोवेल एरिया निकालना है। तो और ये चेक किस लिए था, ये चेक सिर्फ इसलिए था कि हमने जो फैक्टर लिया है वो यहाँ पर सेफ है उसकी वजह से क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोवेल बार के बाद आपको इसके, क्योंकि आपके पास जो अलाउड बेरिंग फोर्स था उसके साथ आपको डोवेल के लिए एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है, और फैक्टर के बाद देखना होता है कि वो अलाउड बेरिंग फोर्स से ज्यादा है या नहीं है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोवेल एरिया हमें निकालना है, डोवेल एरिया निकाले कैसे, देखिए डोवेल एरिया के लिए सबसे पहले तो जो भी आपका जिस लोड के लिए, जितने लोड के लिए यहाँ पर डोवेल की जरूरत थी वो लोड ऊपर लिखिए, हमारे पास 97.5 जो है उसके लिए हमें जरूरत थी, है ना, 97.5 हम इसको अब ये डबल एरिया mm के अंदर आएगा तो हम इसको जो है न्यूटन में कन्वर्ट कर देते 10^3 करके, डिवाइड बाय यहाँ पर 0.75 FY, इसका मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इन डोवेल डिवाइड बाय 0.75 FY, ये डोवेल एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, फोर्स इन डोवेल या डोवेल फॉर पर्टिकुलर फोर्स डिवाइड बाय 0.75 FY, ठीक है, 0.75 FY। तो अब ये FY की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो FY इज नथिंग बट द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील, दैट इज इक्वल टू 415, हमने जो कंसिडर कर रखा है, जो हमें दे रखा है, तो भाई सिंपल चीज है,
आप यहाँ पर जो है इसकी जगह 415 रख दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 313 mm² आपका डोवेल एरिया रिक्वायर्ड होगा। कितना होगा? 313 mm² आपका रिक्वायर्ड डोवेल एरिया होगा। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आप जब भी यहाँ पर डोवेल बार्स, अब क्योंकि यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ स्टील तो जरूरी होता है ना, यहाँ पर भी क्या होता है परसेंटेज ऑफ स्टील जरूरी होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हम परसेंटेज ऑफ स्टील डोवेल के लिए प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड, तो आईएस कोड हमें कहता है, यहाँ पर आईएस कोड का प्रोविजन है भाई, आईएस 456-2000 का प्रोविजन है। अगर मैं आपको क्लोज नंबर बताऊँ इसका 34.4.3 का क्लोज है, वो कहता है कि मिनिमम यहाँ पर 0.5% स्टील आपको प्रोवाइड करना है। कितना? डोवेल के लिए 0.5%। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। अब अगर हम बात करें डोवेल एरिया, ठीक है, मिनिमम डोवेल एरिया हम कह सकते हैं, मिनिमम डोवेल एरिया या डोवेल बार जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है, मिनिमम डोवेल एरिया इज इक्वल टू 0.5 / 100, मतलब ये एएसटी हो गया इन शॉर्ट, एएसटी फॉर डोवेल, ठीक है, 100 × b × d या फिर जो भी हमारा एरिया ऑफ कॉलम है, क्योंकि एरिया ये कॉलम के अंदर ही पूरा हमारे पास डोवेल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.5 / 100 × कॉलम का हमारा 350 होगा, कि हमारा कॉलम तो स्क्वायर है, इंटू 350 हो जाएगा ये, ठीक है, कॉलम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 612.5 mm². आई बस समझ में, सिंपल चीज है। तो ये डोवेल इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, और डोवेल का मकसद क्या था बता दिया, डोवेल किस तरह से प्रोवाइड करना है बता दिया, डोवेल का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, बड़ी आसान भाषा में और सिंपल तरीके से, साधारण से तरीके से आपको समझा दिया कि डोवेल कब और कैसे अप्लाई किया जाता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए सब कुछ आपने कर लिया, बट आखिरी ये है कि भाई डोवेल बार के डायमीटर आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, तो डोवेल बार के डायमीटर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और डोवेल आप जो है मिनिमम यहाँ पर 8 प्रोवाइड कर दीजिएगा, और डोवेल बार जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 12 mm करें, 16 mm करें, इट इज अप टू यू ना, ये जो भी आपकी एएसटी आती है तो उस एएसटी के हिसाब से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इसको, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई कि आप 8 डोवेल बार्स आप यूज कर लीजिए 16 mm डायमीटर के, दैट इज ऑल्सो इनफ, या फिर आप अगर 12 mm यूज करते हो दैट इज ऑल्सो इनफ। हमने 8 डोवेल बार्स यहाँ पर दे दिए, है ना, तो सिंपल चीज थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, है ना, हमने हर साइड में 2 डबल बार दिए हैं, तो चारों साइड में ये 8 डबल बार्स हो जाएंगे 16 mm के। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल थिंग्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन दिस काइंड ऑफ फुटिंग विच इज आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड स्क्वायर पैड फुटिंग, है ना, सिंपल चीज है। चलिए, तो समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और बस यही इसका आखिरी स्टेप था, और जो हमने फुटिंग बनाई है वो आपको आपकी उसकी ड्राइंग जो है इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये जो प्लान आप देख रहे हो यहाँ पर, प्लान आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ना, तो प्लान के अंदर आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखेगा, यहाँ कि भाई हमारा जो 2100 mm का जो उसका साइड है, उसके बाद हमने 14 बार जो है एक्स एक्सिस में प्रोवाइड किए, 14 बार जो है हमने वाई एक्सिस में प्रोवाइड किए, दोनों के डायमीटर 12 mm था, उसके बाद हमने डबल बार प्रोवाइड किए, 8 बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं, मतलब एक साइड पे 2 बार्स, ठीक है, तो 4 साइड है उसकी, तो हमने 2-2 बार्स प्रोवाइड किए एक साइड में, तो 8 बार हमारे हो चुके हैं, और उसका हमने 16 mm डायमीटर रखा है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, आपके सामने फिगर है, और बस इसी तरह से आपको इसकी पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और इसको समझना है। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम जो है एक्चुअली लोडेड स्लोप्ड फुटिंग की बात करेंगे, ठीक है, हमने पैड फुटिंग तो कर लिया, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दी स्लोप्ड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग का ही एक टाइप है, हमने पैड फुटिंग डिस्कस कर लिया, अब हम स्लोप्ड फुटिंग की बात करेंगे, और उसका सेशन या उसका वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। बस आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहते हो और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और आप
कि ये सारे वीडियोस आपके लिए, ये सारे वीडियोस अब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी बिना डिस्टर्बेंस, अगर आप यहाँ पर आपको अगर YouTube की तरफ से एडवर्टीजमेंट डिस्टर्ब करती है तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना डिस्टर्बेंस के इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आसानी से एनी टाइम देख सकते हो। वहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड वगैरह भी फीचर भी है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो एप्लीकेशन के अंदर ही आप हमें टेक्निकल सिविल को लिख सकते हो, आपको वहाँ पर तुरंत से तुरंत जवाब देने की पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि सारी चीज़ें कवर करता चलूँ तो जो मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सिविल। थैंक यू।